फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ, हो चुका है सब काम, मेरा चालू है, सब फैला हुआ है। तो देखिए, ट्यूशन से आ गए हैं बच्चे, अपना काम कर रहे हैं। इन लोगों को मैंने बना के दे दिया था। अभी मैं फ्रिज की सब साफ सफाई करूँगी। क्लीनिंग वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मुझे करना भी था, तो मैं बोली आप लोगों के साथ उसे शेयर भी हो जाएगी और मेरा सब साफ सफाई भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं करती हूँ, आगे आप लोग बने रहना। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। देखिए सुशांत जी, क्या है? सुशांत मेरा डेली छोड़ रहा है, गंदी बात है। मैं देखी रही, मैं खा लेती हूँ। आप बहुत काम है, बहुत देखते हैं कैसे होगा। मैं तो परेशान हो गई सच में। कुछ काम कराओ तो बहुत काम फैल जाता है घर में, बहुत सारा काम हो जाता है। देख साफ सफाई, सब धूल मिट्टी ज्यादा हो गए हैं घर में। इसी बहाने मेरी दिवाली की साफ सफाई भी हो जाएगी। फ्रेंकी चाहिए था, मैं दो वहीं रख दी, सब वो सब गई फ्रेंकी लेके आई हूँ। अभी ये लोग फ्रेंकी खाएंगे डिनर में, देखते हैं क्या बनता है। तो दो फ्रेंकी लाई हूँ और मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए हमारा लुक सब चेंज हो गया है, सब साफ सफाई कर रखा, धूल उड़ रहा है ना, इसलिए तो क्या करें। तो आप लोग मुझे भी लगे रहिए, देखते रहें हम लोगों को साफ करें उधर पे, उसके पापा और मैं यहाँ पर हूँ। बनाऊंगी थोड़ा सा हलवा। और ये देखिए, ये है कच्चा पपीता है, ये कच्चा पपीता है, मैं इसका घिस के आधा काटी घिस रही हूँ, इसके लिए मैं सब्जी बनाऊंगी और मैं थोड़ा सा हलवा भी बना सकता हूँ। लग जाएगा बेटा, और मैं प्रसाद में भगवान को चढ़ाने के लिए हलवा बनाऊंगी, क्योंकि नया नया किचन बनाया तो सभी एक्साइड हुआ है और कुछ ना कुछ मीठा तो जरूर है, तो मैं वही करूँगी। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, कैसा लगा जरूर बताना। तो चलिए देखिए, मैंने घिस लिया है पपीते को, इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी और ये इसकी भी सब्जी बनेगी, दो सब्जी बनेगी और रोटी बनेगी। तो चलिए बनाते हैं, क्या क्या पड़ेगा मैं दिखाती हूँ। मैं पहले लहसुन छीन लेती हूँ इसमें सब्जी के लिए, मैं लहसुन छीन के फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी टाइम में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रख दिया है, मैंने यहाँ पे पूजा भी कर लिया, लाइट नहीं था इस वजह से नहीं दिखाई, तो मैं यहाँ पे एक साइड रख के पूजा भी कर ली और भगवान का मैंने भोग भी लगा दिया है। मैंने बनाया था हलवा, तो मैंने अच्छे से किचन में पूजा तो करके आज मैं भी स्टार्ट कर दी हूँ खाना बनाने। सब्जी मैं बना रही हूँ, लाइट की वजह से मेरा सब दिमाग ख़राब हो गया। टाइम देखिए आप लोग, वहाँ पर 9:30 के ऊपर हो गए हैं, 9:35 हो रहे हैं 40, मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को, मुझे लगा लाइट आए या ना आए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आप लोगों से। और ये मेरी मूली की सब्ज़ी है, मैंने लहसुन का तड़का देके इसको मैं बना रही हूँ और कुछ नहीं डालूंगी, मिर्ची नमक डालूंगी बस, ये हो जाएगा। फिर मैं पपीते का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो चलिए बने रहिएगा आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी वो सब्ज़ी मेरी बन गई है मूली वाली, आप देख लीजिए। अब मैं पपीते की वो बनाने जा रही हूँ जो मैंने घिस के रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी, ज़्यादा नहीं, करीब एक चम्मच के लगभग तेल डालूँगी मैं, तेल मेरा गर्म हो जाएगा। इसमें मैं डालूँगी ये
राई सरसों जो है ये डालेंगे इसके लिए, ये डालेंगे हमारा चटक जाएगा हमारा, तो फिर हम ये डालेंगे पपीते का जो है वो डालेंगे। मैंने आटा भी तैयार कर लिया है, हमें रोटी भी बनाने में बहुत लेट हो रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करें। ये देखिए यहाँ पे ये चटक गया है, अब मैं इसको डालूँगी। बस 5 मिनट में ये सब्ज़ी बनती है, आप लोग भी ट्राई करना पपीते की, कच्चे पपीते की। इसको मैं अच्छे से चला के नमक डाल के डाल दूँगी और अपने अकॉर्डिंग तीखा जितना खाना हो उस हिसाब से आप मिर्ची डालेंगे। मैं 2 मिर्ची कट की हूँ, मैं वही डालूँगी। इसमें हल्का सा हल्दी भी डालेंगे। तो देखिए मैं ये मिर्ची कट किया है, 2 मिर्ची है बड़े बड़े, मैंने बड़े पीस में कट किया है। तो अब मैं इसको भी इसमें डाल दूँगी, इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और नमक डालूँगी। देखिए 1 मिनट पक गया है, 1 मिनट हो गया उसको, तो मैं इसमें हल्का सा नमक हल्दी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। देख लीजिए आप लोग भी, छोटा चम्मच आधा छोटा चम्मच हल्दी डालूँगी कलर के लिए। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से चला लूँगी। इसको धीमी आँच में 5 मिनट तक पकाएंगे। हो गया, रोटियाँ पराठा के साथ खाओ, कैसे भी खाओ, आपको जैसा अच्छा लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। देख लीजिए आप लोग, ये जिसको स्टोन है ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, स्टोन वाले को ये खाना चाहिए कच्चा पपीता। तो मेरे हस्बैंड को है तो इसलिए मैं बनाती हूँ उनके लिए। चलिए अब मैं रोटी बना लेती हूँ। मेरी आवाज़ से आप लोग बोलोगे कितना स्लो बोल रही, क्या कर, मैं बहुत थक गई हूँ आज। तो चलिए मेरी रोटी बन रही है, चलिए देख लेते हैं। मैं सब्जी देख लेती हूँ, पपीते वाली क्या हाल है इसकी, ये भी हो गई है। एक बार मैंने बीच में और उसको चलाया था तो देखने के लिए, मैं उठी हूँ, ये भी हो गई है। मैं गैस फ्लेम बंद कर दूँगी, रोटी सेक लेती हूँ। बेटा नहीं है तो वीडियो शूट करता मैं, थोड़ा जल्दी हो जाता, मुझे घर से करना पड़ रहा है। खास से मोबाइल भी ली हूँ, अभी स्टैंड नहीं लिया है मैंने, ले लूँगी जल्दी ही। तो चलिए अब मैं ये बंद कर देती हूँ, अब मैं उनको निकाल देती हूँ खाना, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे सबको बहुत तेज़ भूख लग गई है। देखिए थाली लग गई है, आइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ बताना किचन कैसा लगा मेरा आप लोगों को ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।